निकल। ये कौन लोग हैं? कौन शोर कर रहा है? क्या मसला है? किसी की मौत आई है। मैं देखती हूँ। बैठो तुम, मैं खुद देखता हूँ। आरा, मैं कह रहा हूँ बाहर निकल, बाहर निकल। खामोश हुए, क्या शोर मचा रखा तुम लोगों ने और मसला क्या तुम लोगों का? अरे तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, शोर भी ना मचाए। अरे तुमने हमारे मकानों की जाली अलॉटमेंट करवा दी और हमें मामू बना दिया। तीन दिन में हमारे मकानों पे बिल्डर पड़ जाएंगे। 5 साल पहले जो तुमने मकान दिलवाए थे ना, नोटिस आ गया हमारे पास और नोटिस में लिखा है कि वो नाले की जमीन पे बनाए गए थे मकानात। अरे इतना बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ, नाले की जमीन पर मकानात बनवाकर हमसे लाखों रुपए बटोर लिए तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या चपड़ चपड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? मसला क्या तुम्हारा? और एक वक्त में एक आदमी बोले और इत्मीनान से बताओ मसला क्या है तुम्हारा? फ्रॉडी है, धोखेबाज, इतना बड़ा धोखा किया कि हमसे लाखों रुपए बटोर लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी हक हलाल की कमाई से मैंने उसकी पेमेंट की थी, उसकी कीमत अदा की थी मैंने। मैं छोड़ गिरे पान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी गोलियां तेरे जिसे में उतार दूंगा। अगर मेरे मकान की एक भी दीवार गिरी ना। अबे पान छोड़ मेरा और ये खिलौने से मुझे मत रहा। कराची में कोई 8-10 लाख का मकान मिलता है? मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, कागजात लौट कराए तुम्हें और उसके बाद उल्टा तुम उससे बदमाशी कर रहे हो। दफा हो जाओ और तुम लोग भी दफा हो जाओ ऐसे। चलो निकलो इधर से। अरे शमशुद्दीन, ये बंदूक क्यों निकाल ली तूने? अरे हम यहाँ बात करने आए, बात कोई झगड़ा करने नहीं है। अरे बात इंसानों से होती है, जो जबान ये समझता है वो इसी से बात कर रहा हूँ दरवाजे पर आए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोग। दफा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, धमकी नहीं दे रहा मैं। मकान भी टूट गए, मैं अपने बीवी बच्चों को अपने भाई के घर पे छोड़ के आया हूँ, अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। मैं अभी बाकर के घर से आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर क्या कहा उसने? मैं दरवाजा पीटता रहा लेकिन उस खबीसे दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने भी सब पता लगा लिया है, उसका काम ही यही है, जमीनों पर कब्जा करना और फिर जाली कागजात बनवाकर वो बेच देना। बहुत बड़ा धोखा किया उसने हमारे साथ। देखना देखना, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तुम उसकी खबर सुन लेना कि वो मर गया और मेरे यहाँ तो मरेगा वो, मैं ही मारूंगा उसको। कौन है? कौन है? चुप। अरे ये क्या हो गया पागल? ये क्या हो गया? के 4 बजे थे कि अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो देखा एक आदमी दीवार कूदकर फरार हो रहा है और मेरे शौहर कमरे में खून में लथपथ पड़े। मुझे तो मौका भी नहीं मिल सका उनको अस्पताल ले जाने का। आपने कातिल का चेहरा देखा था क्या? आप शनाख्त कर लेंगी उसको? कहां देख सकी, उसने तो नकाब लगाया हुआ था लेकिन मुझे पता है वो कौन था। कौन था वो? आपको किसी पर शक है क्या? मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है मेरे शौहर का कातिल शमसुद्दीन ही है। 3 दिन पहले वो कुछ लोगों को लेकर हमारे घर आया था, बाकर से उसका बड्डा हुआ था। मेरे शौहर
दुकान चलाने के अलावा मकानों की खरीदो फरोख का काम भी करते थे। शमसुद्दीन ने किसी मकान के मसले पर ही बागर को जान से मारने की धमकियां दी थी। बागर भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। शमसुद्दीन ने मारा बागर भाई को। वो पूरे मोहल्ले के सामने यह धमकी देकर गया था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मारा बागर, उसने मारा बागर भाई मेरे भाई। मैडम, शमसुद्दीन तो बागर अली को सिर्फ डराने के लिए पिस्तौल लेकर गया था, और वो पिस्तौल तो मेरे मरहूम सुसर की नकारा पिस्तौल है। लेकिन बागर अली के कत्ल के केस में शमसुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मुझे लेकिन ये बताएं कि बागर अली का कत्ल किस दिन हुआ और उस वक्त आपका शोहर कहाँ था? 10 मार्च की रात को बागर अली का कत्ल हुआ और उस दिन शमसुद्दीन हमारे ही साथ था। हम सब तो अपनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारे मकान को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया है और हम सब लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आजकल एक मुहिम चल रही है कि जितने भी गैर कानूनी तामीरात हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाए, आपके घर भी इसी सिलसिले में डिमोलिश हुए? आमना साहब, हम तो 5-6 साल पहले पंजाब से कराची आए थे। हम तो सस्ते मकान तलाश कर रहे थे, तो ये बागर अली हमें मिल गया। हम सबको मकानात दिलवाए सस्ते पैसों में। लेकिन अचानक एक दिन हमें नोटिस मिला कि ये नाले की जगह पर मकान बनाए हुए। बीबी, हमारी उम्र भर की कमाई लुट गई। हम तो इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं। हमें क्या पता था बाकर ने नाले की जमीन पर मकान बना के हमें फरोख किए। हम चाहते हैं कि शमसुद्दीन को रिहा करने में हमारी मदद करे और बाकर को किसी और ने मारा है। शमसुद्दीन बेकसूर है। हम ना बीबी, हमें हमारे ज़मीनों की कीमत वापस तो मिल जाएगी ना। मुझे ये बताइए कि जब बागर अली ने आप लोगों की मदद की थी ये मकान खरीदने में, तो कोई अलॉटमेंट पेपर्स आप लोगों को दिए थे? जी बिल्कुल मिले थे। और आमना बीबी, बागर अली हमसे हर माह 2000 रुपये भी लेता था बिजली और गैस के मीटरों के लिए, मगर वहाँ ना बिजली का मीटर था ना गैस का। बीबी जी, हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता बाकर ने जो कागज दिए वो हमने सच्चे समझ कर रख लिए। हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। हमें पैसे वापस मिल जाएंगे ना? देखिए, दोनों केसेस पर काम करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अहम शमसुद्दीन की रिहाई है। अगर कोई शख्स किसी पर मुजरिमाना हमला करे और जिस्मानी तौर पर किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का सबब बने, तो उस पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 349 का इतलाक होगा और उसे सेक्शन 352 के तहत 3 माह तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुंजिम शमसुद्दीन 7 मार्च को कुछ लोगों के साथ बागर अली के घर पर गया था। वो इसलिए कि इन लोगों को जो मकान गिराने के नोटिस मिले थे, ये समझते थे कि बागर अली इस चीज का जिम्मेदार है। हालांकि वो इस चीज का जिम्मेदार नहीं था। बागर अली का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इन लोगों को कच्ची आबादी में मकान दिलवाने की थोड़ी सी मदद की थी। उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा इस शख्स को आया। इसने मोहल्ले भर में पिस्तौल लहराते हुए यह कहा था कि अगर मेरे मकान को मसमार किया गया तो मैं बागर अली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। योर ऑनर, 10 मार्च को यह शख्स बागर अली के घर में कूदा और उसके जिस्म में 3 गोलियां उतार दी। 2 गोलियां उसके सीने में लगी और एक बाएं आंख के नीचे। योर ऑनर, जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से आला कत्ल यानी वो पिस्तौल भी बरामद हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील साहब बेबुनियाद इल्जामात लगातार लगाए जा रहे हैं।
योर ऑनर, ना तो मेरे क्लाइंट मकतूल के घर में कूद कर दाखिल हुए, ना ही मेरे क्लाइंट के पास से आला एक कत्ल बरामद हुआ। योर ऑनर, वकील साहब के पास इन दोनों बातों का कोई सबूत नहीं है, ना कोई चश्मदीद गवाह है जिसने मेरे क्लाइंट को बाकर अली के घर कूदते हुए देखा हो, ना ही इनके पास बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट है, कोई फॉरेंसिक एविडेंस है कि जो पिस्तौल मेरे क्लाइंट के पास से बरामद हुई उसी पिस्तौल से बाकर अली को कत्ल किया गया। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट तो ये बात बताती है कि जाए वारदात से 9mm के 3 खाली शेल्स मिले, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताती है कि मकतूल की मौत 9mm के पिस्टल से निकलने वाली बुलेट से हुई, जबकि मेरे क्लाइंट के पास 9mm का पिस्टल नहीं है। जबकि सर, मेरे क्लाइंट के पास तो कोई 60 साल पुराना जंग आलूद पिस्टल है जो कि इनके मरहूम वालिद साहब की निशानी है। सर, अगर उस पिस्टल का मुआयना करवाया जाए तो मालूम हो जाएगा कि पिछले 60-70 साल में वो पिस्टल कभी इस्तेमाल नहीं हुई। सर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ तो पुलिस और इस्तखासा ने बगैर किसी सबूत के एक मुकदमा दर्ज कर दिया, और इस मुकदमे की बुनियाद ये बनाई कि मकतूल की बीवी को शक है कि उनके शोहर को कत्ल मेरे क्लाइंट शमसुद्दीन ने किया है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मकतूल के घर के बाहर जाके धमकियां नहीं देता था, अपनी बेबसी का इजहार करता था। सर, एक सफेद पोश इंसान एक छोटी सी दुकान चलाता है और उम्र भर की हक हलाल की कमाई से इसने एक मकान खरीदा। योर ऑनर, मकतूल बाकर अली ने अपनी जिम्मेदारी पर पूरी जांच पड़ताल करके ये मकान मेरे क्लाइंट को दिलवा कर दिया था। मेरे क्लाइंट उनके घर यही बात याद दिलाने जाते थे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे साथियों के पैसे डूब गए हैं, और ये पैसे किस तरह से वापस मिलेंगे। योर ऑनर, ऐसी सूरत हाल और ऐसी बेबसी और लाचारी में गुस्सा तो आएगा, शायद कुछ नाजेबा अल्फाज भी मेरे क्लाइंट के मुंह से निकल गए हों जिनको धमकियां समझा गया हो, लेकिन योर ऑनर, ये तो एक बेबस शख्स की इल्तजा थी, और ये नुमाइंदगी कर रहे थे बाकी 4 खानदानों की भी। मकतूल की बेवा को उन 4 खानदानों के किसी फर्द पर शक नहीं हुआ। मकतूल की बेवा ने जो बयान दिया उसमें भी ये कहीं नहीं कहा गया कि वो चश्मदीद गवाह है इस बात की कि उन्होंने शमसुद्दीन को अपने घर की दीवार फलांगते हुए देखा या अपने शोहर को कत्ल करते हुए देखा। उन्होंने तो जो पुलिस को बयान दिया, जो बयान आपके सामने भी मौजूद है, इसमें तो सिर्फ यही लिखा है कि मकतूल की बेवा ने एक नकाब पोश इंसान को रात के अंधेरे में घर से फरार होते हुए देखा था। सर, इस सारे सिनेरियो में कौन सा सबूत है जो इस बात पर मेरे क्लाइंट को इम्प्लीकेट करता है कि ये जुर्म, ये वारदात शमसुद्दीन साहब ने की है? सर, ये बेबुनियाद इल्जाम। योर ऑनर, ये केस, ये मुकदमा बेबुनियाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि शमसुद्दीन के पास ही बाकर अली को कत्ल करने का मौरिक था, इसने उसे कत्ल किया। इसलिए कि जब इसका मकान मस्मार किया गया तो उसने इसका कसूरवार सिर्फ बाकर अली ही को समझा, इसलिए इसने पूरे मोहल्ले में तेश में आकर जो पिस्टल से धमकी दी थी उसको अमली जमा पहनाया और इसने बाकर अली को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, बाकर अली को कत्ल करके तो मेरा क्लाइंट और खसारे में चला जाता। सर, कॉमन सेंस की बात है कि अपना घर मस्मार हो जाने के बाद इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कोई कॉम्पनसेशन मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, किसी तरह से इसका अजाला हो जाए, कुछ रकम की वापसी की ही बात हो जाए। ये निगोशिएशंस तब तक ही हो सकती थी जब तक बाकर अली जिंदा था, उसको कत्ल करके इसका क्या फायदा होना था? सर, योर ऑनर, अलॉटमेंट के तमाम कागजात की तहकीक तफ्तीश करना खरीदार की जिम्मेदारी होती है, ना के फरोख्त करने वाले की। योर ऑनर, जहां तक सवाल पैदा होता है कि पुरानी पिस्तौल का और फिर उसके बाद 9mm की पिस्तौल का, योर ऑनर, इसके पास 9mm की पिस्तौल है, इसने उसे कहीं छुपा दिया है। योर ऑनर, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मजीद तफ्तीश के लिए इसे जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। योर ऑनर, इस्तखासा के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं है, ना ही कोई ऐनी शाहिद। योर ऑनर,
सिर्फ हो सकता है कि बुनियाद पर किसी को किसी वारदात या जुर्म में मुलविस नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, इस तखासा ना तो आलाए कत्ल बरामद कर सकी है, ना ही बियॉन्ड डाउट ये बात एस्टेब्लिश कर सकी है कि मेरे क्लाइंट वारदात की रात मकतूल के घर पर जाए वारदात पर मौजूद थे। योर ऑनर, बेसलेस इल्जामात लगाकर मेरे क्लाइंट को इस मुकदमे में घसीटा जा रहा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि सिर्फ मकतूल की बेवा के बयान में शक के इजहार को ठोस सबूत बनाकर मेरे क्लाइंट को मुर्द इल्जाम ना ठहराया जाए। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाए। चूंकि मुजरिम शमसुद्दीन बाकर अली के कत्ल के केस में सोल सस्पेक्ट है, लिहाजा यह अदालत उसको इस स्टेज पर जमानत पर रिहा नहीं कर सकती। अदालत मुजरिम को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ अदालत इस्तगासा को भी इस बात की तंबीह करती है कि वो इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करे और उसकी तमाम तर रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करे। अदालत मुलतवी की जाती है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफसियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। मैडम आमना, आपने मुकदमा तो बहुत अच्छा लड़ा, मगर जमानत नहीं हो सकी, जबकि शमसुद्दीन बिल्कुल बेकसूर है। देखिए, अदालत की भी कुछ अपनी कानूनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हो, शमसुद्दीन बहुत जल्दी बेगुनाह साबित हो जाएगा। अच्छा आमना साहिबा, वो हमारा नुकसान तलाफी के बारे में कुछ पेपर अदालत में जमा करने का बोल रही थी। जी जी बिल्कुल, उस पिटीशन के हवाले से जितना पेपर वर्क था वो कंप्लीट हो गया है और हम बहुत जल्दी वो पिटीशन दायर कर देंगे। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि बाकर अली के साथ आप अलॉटमेंट पेपर्स लेने के लिए जिस महकमे में गए थे वो दफ्तर कहाँ पर है और किस ऑफिसर ने आपको वो कागजात दिए थे अलॉटमेंट के? आमना साहिबा, बाकर अली हमको 2 से 3 दफ़ा अपने साथ सरकारी दफ्तर लेके गया था, लेकिन वो हमको बाहर ही बिठा देता था कि तुम लोग अंदर कहाँ धक्के खाते रहोगे, मैं अंदर से मोहर लगवा के ले आता हूँ। हमारी तो किसी सरकारी अफसर से कोई वाकफियत भी नहीं थी जी, हम सीधे साधे अनपढ़ से लोग हैं, वो जहाँ कहता था हम अंगूठा लगा देते थे। देखिए, इतना एतबार भी तो किसी पर नहीं करते ना, अब आपको क्या पता कि वो अंदर जाकर किसी से मिलता भी था या नहीं, वो जाली कागजात उसने खुद ही ना बना दिए। बहरहाल, आप मेरे कुलीग शहरोज को वो दफ्तर तो ज़रूर दिखा दें जहाँ आप लोग जाते थे बाकर के साथ, हो सकता है वहाँ जाके कोई नई मालूमात मिल जाए। भाभी, बाकर भाई की मौत का हमें बहुत अफसोस है। बस भाई, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है, लेकिन जब तक उस खबीस शमसुद्दीन को फांसी की सजा नहीं होगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप इत्मीनान रखें भाभी, उस खबीस को जल्द से जल्द सजा होगी। हम आपसे ये बात कहने आए थे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मदद चाहिए आप हुक्म करें, हम आपके छोटे भाई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अब तो अल्लाह ही का सहारा है। भाभी, अकरम वकार मैंने कहा था कि 40 उनकी तरफ से होगा। शहरोज, अगर शमसुद्दीन और ये बाकी लोग जिनके घर डिमोलिश हुए हैं, इनकी दुश्मनी या नाराज़गी हो गई थी बाकर अली से, तो इस किस्म की जाली अलॉटमेंट्स तो उसने और लोगों के साथ भी की होगी, और कुछ और लोग भी हों जिसके दुश्मन बन गए हों। जी हाँ, हो सकता है मैडम। ऐसे करो कि इसका ज़रा रिकॉर्ड चेक करवाओ और इसका फ़ोन रिकॉर्ड भी ज़रा निकलवाओ। ठीक है मैडम, मेरा एक जानने वाला है, उसको मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, सुबह तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। इतनी जल्दी? वेरी एफिशिएंट। ओके ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं एडवोकेट शहरोज हूँ, आपसे कुछ पूछना था। जी सर पूछिए। आप बाकर अली को जानते हैं? जी सर, वो महल्ले का दुकानदार था,
बस मेरी उनसे सलाम दुआई थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। मुझे इजाज़त दें, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबशिर। मुबशिर साहब, मुझे बाकर अली के बारे में कुछ पता करना है कि किस तरह का आदमी था, वो कुछ बताएंगे? मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, मैं नहीं जानता किस तरह का आदमी था और मेरा कोई उससे खास ताल्लुक नहीं था, और इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुझे माफ ही रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाहिद। जाहिद भाई, मुझे बाकर अली के बारे में कुछ पता करना था, आपके इलाके में रहता था, किस तरह का आदमी था? हाँ, वो मकान की खरीदो फरोख्त तो करता था, लेकिन उसने किसी किसी को मकान बेचे हैं। किस किस को मकान बेचे हैं बताएंगे? ओ भाई, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, अगर तुझे पूछना है ना बाकर अली की बीवी से जाके पूछ, मेरे से काहे को पूछ रहा है, चल निकल। ये घर है? ओ चुड़ैल, ओ डायन, बाहर निकल। क्या बात है बीवी, क्यों शोर मचा रही हो? शमसुद्दीन के बीवी बच्चे यहाँ रह रहे हैं। हाँ, बहन है वो मेरी और मेरे दोस्त की बीवी है, तुम्हें क्या मसला है? मैं उस चुड़ैल को यहाँ नहीं रहने दूंगी अपने मोहल्ले में। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? बाकर अली मेरा शोहर था, तू मेरे शोहर के कातिल की बीवी है, मैं तुझे इस मोहल्ले में नहीं रहने दूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तेरे उस छछंदर मियाँ को तो फांसी होगी। मैडम, आज बाल बाल बच गया, दो अफराद ने फायरिंग की है और गोली शीशे को क्रॉस करते हुए गुजर। ओह माय गॉड, किस किस्म के खतरनाक लोग हैं। शुक्र है अल्लाह का तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुमने FIR कटवाई है? जी हाँ, वहाँ से सीधा मैं थाने गया था, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कटाई। इसका मतलब है जब तुम उस मोहल्ले में पूछगछ कर रहे थे तो किसी ने तुम पर नजर रखी हुई थी? पता नहीं मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। खैर, ये बात तो पता चलती है ना कि उसके जरूर कोई क्रिमिनल कॉन्टेक्ट से जान पहचान थी, वरना। मैडम। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे? मैंने तो कल बुलवाया था आपको। आए बैठे आप लोग। जी फरमाइए, कैसे आए आप लोग? बाकर अली की बीवी मेरे घर पर आई थी और मुझे धमकी देकर गई है कि अगर मैंने साबरा को अपने घर से नहीं निकाला तो फिर हमारी खैर नहीं। अब मैडम, हम तो सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम कहाँ गुंडों से लड़ते फिरेंगे। तो आपके पास इसलिए आए कि मेहरबानी फरमा कर आप इसका कोई ठिकाना कर लें, क्योंकि अब मैं इसे अपने घर में रखकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता मैडम। और आप उसकी धमकी से डर गए? आपको लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है? धमकी नहीं मैडम, वो अकेली औरत नहीं है, बाकर अली खुद एक बहुत बड़ा बदमाश था और उसके कारिंदे उसकी बीवी के साथ उसकी ताकत बने हुए इस वक्त। मैडम जी, अगर हम जैसी बेसहारा औरतों और बच्चों के लिए कोई जगह मिल जाए तो। बिल्कुल, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, ऐसे हैं तो सही बहुत से शेल्टर होम्स। शहरोज, वो शीरीन साहिबा का भी तो एक शेल्टर होम है ना? जी हाँ मैम है। उनसे बात करें जरा। ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। अगर कोई शख्स किसी पर ताकत के इस्तेमाल से उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई गैर कानूनी काम करवाए तो इस 9 के जुर्म पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 350 का इतलाक होगा।
योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर दोनों का काम अदालत के सामने सच पेश करना होता है, और इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है, मैं चाहूंगा कि आमना कबीर खुद अदालत को इस बात से आगाह करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया वकील साहब। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट शमसुद्दीन साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि बाकर अली की किससे दुश्मनी थी, बाकर अली की मौत से किसको फायदा हो सकता था। मैंने और मेरी टीम ने इन्हीं लाइंस पर तफ्तीश करनी शुरू की। इसी सिलसिले में मेरे कुलीग एडवोकेट शहरोज जब मकतूल के मोहल्ले में पूछगछ करने गए तो वहां ये जानकर बहुत हैरत हुई कि मकतूल के अहले मोहल्ला बहुत खौफजदा थे और किसी भी सवाल का जवाब खुलकर देने से कतरा रहे थे। योर ऑनर, मेरे कुलीग शहरोज को मकतूल के अहले मोहल्ला से बातचीत करके कोई खास इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन उस मोहल्ले से वापसी पर उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि अहले मोहल्ला किस बात से खौफजदा थे कि मकतूल बाकर अली की कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ शनासाई थी। इन्हीं क्रिमिनल कॉन्टैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमने मकतूल बाकर अली का फोन रिकॉर्ड निकलवाया तो एक फोन नंबर नुमाया तौर पर नजर आया जिस पर बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन की जाती थी। योर ऑनर, जब मेरी निशानदेही पर पुलिस ने इस शख्स से पूछगछ की तो बहुत से नए इंकशाफात हुए। योर ऑनर, जब इन्हीं लाइंस पर मजीद तफ्तीश की गई तो उस शख्स के बारे में मालूम हुआ कि इस शख्स का नाम अकरम वकार है, जिसका ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट के एक इदारे से है जो जमीनों की अलॉटमेंट का काम करते थे, लेकिन उस महकमे में काम करते हुए ये शख्स इलीगल अलॉटमेंट का काम करता था, और इसके ग्रुप में मकतूल बाकर अली भी शामिल था जो जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था और फिर अकरम वकार के जरिए उन जमीनों की इलीगल अलॉटमेंट करवाता था। योर ऑनर, मजीद तफ्तीश से ये बात भी मालूम हुई कि चंद लोगों पर मबनी ये गिरोह लैंड ग्रैबिंग की बहुत सी वारदातों में मुलव्वस था। योर ऑनर, जब पुलिस ने इनके घरों पर छापे मारे तो ये जानकर हैरानी हुई कि चंद हजार की तनख्वाह लेने वाले ये लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक थे और इनके घरों से लाखों रुपए के जेवरात और नकद कैश भी बरामद हुई। सर, पुलिस ने इन तमाम लोगों को जेरे हिरासत ले लिया और पुलिस के सामने इन्होंने इकरारे जुर्म भी कर लिया है। मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? अकरम वकार। और तुम्हारा? जसब इमरान। मुल्ज़िम अकरम वकार, क्या तुम एतराफ करते हो कि तुम बाकर अली के कत्ल के जिम्मेदार हो? सर, जब शमसुद्दीन और कुछ लोग बाकर अली के घर गए और उनसे झगड़ा किया और शमसुद्दीन ने बाकर अली को जान से मारने की धमकी भी दी तो बाकर अली मेरे पास आया। अकरम भाई, इस धंधे में मुझसे पैसा ज्यादा तुमने कमाया है, लेकिन जमीन पे कब्जे का रिस्क हमेशा मैंने लिया। अब जबकि वो मेरे घर पर पहुंच के शोर मचाते हैं लोग, उनका पैसा वापस करो ताकि उनका मुंह बंद कर सके। यार बागर, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इतने परेशान हो रहे हो यार तुम? तो भाई जरा आराम से, सुकून से। अगर हम लोग इसी तरह डर कर लोगों को पैसा वापस करते रहे तो फिर तो हमारा धंधा चल गया। यार अकरम भाई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल एजेंसी हमारे जैसे लोगों के पीछे पड़ी हुई है भाई, और अगर हम उनको पैसे वापस नहीं लौटाएंगे तो वो थाने जाएंगे, हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे जिसमें मैं फंसूंगा, और मैं अगर फंसा तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम्हारा नाम भी लूंगा। कौन फंसाएगा यार? कौन वा इंक्वायरी करेगा? कौन क्या करेगा यार? बाकर तुम इतने डरपोक हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। बहरहाल तुमने जिससे लेन देन करना है, जिसको देना दिलाना है, तुम दो। मेरे पास फालतू का कोई पैसा नहीं है। मैं दूं? मैं हमेशा फ्रंट पे रहा हूं, जमीनों पे कब्जा मैंने किया। आस्था यार, आस्था दफ्तर है यार ये। आस्था बात करूं? अरे मेरी जान पर पड़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि आस्था बात करूं? भाई उनको कुछ ना कुछ देना होगा, नहीं देंगे तो कोर्ट जाएंगे, और मैं कोर्ट में तेरा भी नाम लूंगा, इमरान काशिफ, वो भी नहीं बचेंगे, सब जाएंगे जेल में। भाई थोड़ा आस्ते यार, बोल रहा हूँ ऑफिस से फिर वही बात। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, तू जा, तू जा, मैं कल तुझसे बात करूंगा आराम से, आराम से ठंडा होकर जा। और मैं कोर्ट में तेरा भी नाम लूंगा, इमरान काशिफ, वो भी नहीं बचेंगे, सब जाएंगे जेल में, इमरान काशिफ, वो भी नहीं बचेंगे, और मैं कोर्ट में तेरा भी नाम लूंगा।
तू बचेगा तो हम जेल जाएंगे ना। और जाहिर है जब केस अदालत में जाता तो अदालत बाकर अली को बुलाती और बाकर अली मेरे बारे में सब कुछ अदालत को बता देता। तो इसलिए सर बाकर अली को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। अकरम भाई। हाँ अकरम भाई। बाकर आया था मेरे पास। काफी शोर शराबा किया मेरे ऑफिस में आके उसने। पैसे भी मांग रहा था कि मुझे पैसा चाहिए। बात तो ये कि पैसे वाली कहानी तो है भी नहीं है। और अगर उसको मैं एक दफा पैसे दे देता हूँ तो फिर उसका तो सारी उम्र मुंह खुलता ही रहेगा। और फिर वो धमकियां भी दे रहा था कि मैं नैब में जाऊंगा, एंटी करप्शन जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं फंसा तो तुम सबको फंसाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरा ख्याल है अकरम भाई, सिर्फ इतना बताओ हुक्म क्या है मेरे लिए, जो बोले। मैं तो कह रहा हूँ कि आज रात को ही इसका काम कर दो। अब मुझे इमरान तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जय साहब, उस रात 4 बजे मैं और काशिफ बाकर अली के घर गए। काशिफ बाहर बाइक पर बैठा था और मैं दीवार कूदकर बाकर अली के घर गया। बहुत बड़ी गलती हो गई जैसा, अगर हमने हमें डरा दिया था, अगर हमने बाकर अली को नहीं मारा, हम सबको जेल में जाएगी जैसा। तमाम दर पेश किए गए सबूत और शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अकरम वकार के प्लान के तहत मुल्जिम आमिर और काशिफ ने बाकर अली के घर में घुसकर उसका कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत इस कत्ल के मास्टरमाइंड अकरम वकार और उसके दीगर साथी इमरान और काशिफ को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302/34 और 109 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत यह भी हुक्म देती है कि इन मुलजमान के खिलाफ जमीनों पर नाजायज कब्जे और जाली अलॉटमेंट के सिलसिले में नैब के जरिए से इंक्वायरी करवाई जाए। यह अदालत मुलजिम शमसुद्दीन को इस केस से बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।